भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 10 जनवरी से होने जा रही है। टी20 सीरीज में शिकस्त झेलने के बाद मेहमान टीम अपने जख्म को भरने की उम्मीद से उतरेगी। वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 2023 में नए सिरे से शुरुआत करने की उम्मीद कर रहे होंगे। रोहित शर्मा ने पहले वनडे से पहले एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ईशांत किशन श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेलेंगे, जिसके बाद ट्विटर पर काफी प्रतिक्रिया आ रही है। साल 2022 के अंत में ईशांत किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली जिसके बाद हर कोई उनकी तारीफ करने से नहीं थक रहा। ईशांत किशन ने मेजबान टीम को आसमान ताकने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने महज 131 गेंद में 210 रन की तूफानी पारी खेली थी। वही 200 रन पूरे करने के लिए युवा बल्लेबाज ने 126 गेंद का सामना किया था। इस पारी के बाद उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे, लेकिन इस धुआंधार पारी के बावजूद वो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर नहीं आएंगे। इस बात की पुष्टि कप्तान रोहित शर्मा ने की है। वनडे सीरीज से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में बदलाव को लेकर चर्चा की और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के सीरीज से बाहर होने की वजह का खुलासा किया। साथ ही ईशान किशन को लेकर भी खुलकर बात कही। रोहित शर्मा ने कहा, राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में नेट्स पर गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह को जकड़न महसूस हुई। दुर्भाग्यवश हम ईशान किशन की भूमिका नहीं निभा पाएंगे, हमें गिल को अच्छा मौका देना होगा। रोहित शर्मा को बांग्लादेश दौरे पर दूसरे वनडे में अंगूठे की चोट लगी थी, जिसके बाद ईशान किशन को ओपन करने का गोल्डन चांस मिला था। युवा बल्लेबाज ने मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने डबल सेंचुरी जड़ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रोहित ने 26 साल की उम्र में दोहरा शतक जड़ा था, जबकि ईशान किशन ने महज 24 साल में ये कारनामा कर दिया है। देखिए, साथ ही हमारे चैनल स्पोर्ट्स बीट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।